नीतीश कुमार इस उम्मीद में बैठे हैं कि बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अचानक सक्रिय हो जाने की वजह से मामला खटाई में पड़ सकता है। सोनिया गांधी न सिर्फ बेंगलुरु बैठक में शामिल होंगी बल्कि बैठक के एक दिन पहले विपक्षी दलों की मेहमान नवाजी भी करेंगी। सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया है जिसका निमंत्रण सभी विपक्षी दलों को दिया गया। ऐसे में लगता नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए कोई जगह बन पाएगी। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का नया नाम भी नहीं दिया जाएगा। इस गठबंधन का नाम यूपीए ही रहेगा जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। मतलब ये कि विपक्षी गठबंधन की बागडोर अब सीधे तौर पर कांग्रेस के हाथों में आ गई है। इससे ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को परेशानी हो सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस इन दोनों को लेकर ज्यादा भरोसा भी नहीं दिखा रही। हालांकि कांग्रेस की तरफ से डिनर का निमंत्रण अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया है और ममता बनर्जी को भी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से ये बैठक बुलाई गई है। इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया था। सूत्रों का कहना है कि इस बार की मीटिंग में 8 और पार्टियां भी शामिल होने वाली हैं। मीटिंग के लिए डीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, जोसेफ और केरल कांग्रेस मनी को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों को मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि पिछली बैठक सफल रही थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं आगे भी होती रहनी चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष को एकजुट करने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के उद्देश्य से विपक्षी दलों की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की पहल पर आयोजित की गई इस बैठक में 15 विपक्षी पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में 4 घंटे तक चर्चा चली। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा था कि व्यापक विपक्षी एकता की दिशा में ये पहला कदम है। 2024 के करीब आने तक इस गठबंधन में और भी पार्टियां शामिल होंगी। आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने कहा था कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को नेतृत्व करना चाहिए और अन्य दलों को समर्थन देना चाहिए। बड़ी पार्टियों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सीट बंटवारे में कांग्रेस का खुला और लचीला रुख होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।